तेजी से कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलिए तेजी। अंतर वस्तु विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। अंतर वस्तु विश्लेषण समाज विज्ञान शोध के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली एक शोध का ये शोध प्रविधि है। इसमें शोधार्थी व्यक्तियों द्वारा किए गए संचारों या उनके व्यवहारों के बारे में इकट्ठा किए गए दस्तावेजों का निष्कर्ष विश्लेषण कर एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस कंटेंट एनालिसिस के बारे में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। पहला, कर्लिंगर के अनुसार अंतर वस्तु विश्लेषण चरों को मापने का एक संचार का एक क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ तथा परिमाणात्मक ढंग से विश्लेषण एवं अध्ययन करने की विधि है। पी वी यंग के अनुसार अंतर वस्तु विश्लेषण साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों तथा अन्य लिखित या मौखिक या भाषागत अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त अंतर वस्तु का क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ एवं परिमाणात्मक के वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक शोध प्रविधि है। तीसरा, हॉलेस्टी के अनुसार अंतर वस्तु विश्लेषण सूचनाओं के विशिष्ट गुणों को क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से पहचान करते हुए अनुमान करने की एक प्रविधि है। उपरोक्त विभिन्न मतों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि अंतर वस्तु विश्लेषण एक ऐसी प्रविधि है जिसमें संचार में निहित विशेषताओं को पृथक कर एक शोध आंकड़ों के का रूप तैयार किया जाता है। इस तरह के संचार को कर्टिराइट प्रतीकात्मक व्यवहार सिंबॉलिक बिहेवियर कहते हैं। अंतर वस्तु विश्लेषण एक वैज्ञानिक पद्धति है क्योंकि यह एक क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ एवं परिमाणात्मक पद्धति है। अंतर वस्तु विश्लेषण के द्वारा व्यक्त और अव्यक्त दोनों तरह के अंतर वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। अंतर वस्तु विश्लेषण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अंतर वस्तु विश्लेषण की प्रविधि का प्रयोग आरंभ में बहुत दिनों तक अनौपचारिक रूप से चलता रहा, किंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इस प्रविधि को एक वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध तथा परिमाणात्मक ढंग से इस प्रविधि का प्रयोग किया जाने लगा। 1920 और 1930 में कोलंबिया के विश्वविद्यालय में के जन संचार विभाग की इस प्रविधि को का प्रारंभिक रूप में प्रयोग किया गया और 1930 से 1940 में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों को जानने के लिए एवं अपराध के स्तर को जानने के लिए इस प्रविधि का प्रयोग हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका द्वारा सैन्य अभियानों की सूचनाओं के लिए अखबार, रेडियो की अंतर वस्तु का विश्लेषण किया गया। 1950 के बाद अनौपचारिक रूप से वेलेंसन के द्वारा अंतर वस्तु विश्लेषण की परिभाषा दी गई और इसे राजनीतिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान जैसे विषयों की शोध प्रविधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। 1952 में वेलेंसन ने अपनी पुस्तक कंटेंट एनालिसिस रिसर्च में इसके बारे में विस्तार से लिखा है, जो 1960 तक यह एक मान्य प्रविधि के रूप में प्रयोग की जाने लगी। अंतर वस्तु विश्लेषण की विभिन्न इकाइयां हैं। अंतर वस्तु विश्लेषण की निम्नलिखित इकाइयां हैं। पहला है शब्द, भाषा, भाषण, लेख, संपादकीय, लिखित, मौखिक सामग्री एवं विशेष शब्दों के या प्रमुख प्रतीकों की पृष्ठभूमि आवृत्ति को अथवा उसके निहितार्थ को इसमें लिया गया है। दूसरा है सेकंड, विषय, थीम। विषय एक वाक्य या प्रस्ताव के रूप में होता है। विषय का एक उदाहरण इस प्रकार मान लिया जाए कि कोई शोधार्थी आत्म प्रकटीकरण सेल्फ इंट्रोडक्शन के साली गुणों को मापता है। इसके लिए विषय में उन सभी वाक्यों को रखा जाएगा जिसमें व्यक्ति मैं, हम, हमारा, मेरा, अपना आदि का प्रयोग हुआ। तीसरा है एकांश, किसी दिए हुए उद्योगीकरण के प्रति प्रयोज्य द्वारा किया गया संपूर्ण अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को ही एकांश कहा जा सकता है, जैसे लघु आत्मकथा, रेडियो
लघु रेडियो प्रोग्राम, लघु टेलीविजन प्रोग्राम विश्लेषण एकांश के रूप में लिया जा सकता है। चौथा है स्वलक्षण। साहित्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग अधिक होता है। स्वलक्षण से तात्पर्य साहित्य रचना के लिए किसी व्यक्ति का या पात्र से होता है। इस इकाई का प्रयोग लघु कहानियों के विश्लेषण में किया गया है। फाइव है दिक्पाल मापन। इसका प्रयोग पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिक होता है। इसमें समाचार पत्र में अथवा रेडियो प्रोग्राम में स्थान एवं समय से संबंधित अंतर्वस्तु विश्लेषण किया जाता है।